मंगलाचरण मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण एक ये लघु मंगलाचरण, पर उसके बाद भी बहुत सारे इसमें कुछ छंद हैं, श्लोक हैं, सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम देखते हैं। मोक्ष मार्गस्य अर्थात मोक्ष मार्ग के, नेतारम अर्थात नेता को, कर्म भूभृताम अर्थात कर्म रूपी पर्वतों के, भेदतारम अर्थात भेदने वाले को, विश्व तत्वानाम अर्थात संपूर्ण विश्व के तत्वों के, ज्ञातारम अर्थात ज्ञाता को, तद्गुण लब्धये उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। तत् माने उनके, गुण लब्धये माने गुणों की प्राप्ति के लिए, वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस छंद में मोक्ष मार्ग के नेता कहकर हितोपदेशी गुण बताया, कर्म भूभृताम भेत्तारम कहकर वीतरागता कही, और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम कहकर सर्वज्ञता कही। इस तरह यहाँ पर गुणों को विशिष्ट स्थान देकर आचार्य ने गुणों को नमस्कार किया, उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। वास्तव में जैन धर्म, जैन दर्शन गुण प्रधान है, ना कि व्यक्ति प्रधान, इसलिए उन गुणों को ही पूजा जाता है, गुणों की उपासना की जाती है, गुणों की प्राप्ति का उपाय कहा जाता है। इसलिए इस मंगलाचरण में यही बात कही। अब क्रम से आगे बढ़ते हैं। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौ पद सहितम जीव षटकायलेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते तन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितहि प्रोक्त मरहद्भिरीशहि प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह स वै शुद्ध दृष्टि। इसका हम शब्द सा अर्थ देखेंगे। त्रैकाल्यम अर्थात काल तीन हैं, द्रव्य षटकम द्रव्य छह हैं, नौ पद सहितम नौ पदार्थ हैं, जीव षट कायलेश्या छह काय के जीव हैं और छह लेश्याएं हैं, पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। पंचान्य चास्तिकाया माने पांच अस्तिकाए हैं, व्रत पांच व्रत हैं, पांच समिति हैं, ये पांच पांच सब में लगाना, पंच अस्तिकाए पंच व्रत हैं, पांच गति हैं। पांच गति कौन सी? मनुष्य त्रयंच देव नरक के चार और एक पंचम गति सिद्ध गति। पांच ज्ञान हैं, पांच चारित्र के भेद हैं। कहते हैं इत्तेतन मोक्ष मूलम, इत्तेतत माने इस प्रकार से इन्हें त्रिभुवन महितहि त्रैलोक के पूजित अरहत भिरीशहि अरहंतों के ईश तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष मूलम मोक्ष का मूल प्रोक्तम अर्थात कहा है। और अंतिम लाइन देखें, यह माने जो जीव, जो समझदार जीव, जो बुद्धिमान जीव, इसकी प्रत्येति श्रद्धाति यह मतिमान, मतिमान माने बुद्धिमान, यह मतिमान माने जो बुद्धिमान, इसकी प्रत्येति माने प्रतीति करता है, श्रद्धाति
श्रद्धान करता है, स्प्रसति स्पर्श करता है, सा वह शुद्ध दृष्टि, वह निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। इसका सीधा अर्थ लेते हैं, त्रिभुवन पूज्य अरहंत भगवान ने तीन काल, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, षट काय के जीव। देखिए इनका यदि पूरा अर्थ करें, तीन काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, नव पदार्थ जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप, षट काय के जीव निकाय माने पांच स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और एक त्रस, त्रस में दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री के संगी असंगी सभी भेद आ जाते हैं। षटलेश्या कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल ये सभी आ गए। पांच अस्थि काय कालद्रव्य को छोड़कर जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश ये पांच अस्थिकाय हैं, क्योंकि ये बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। जो बहुप्रदेशी होते हैं वे अस्थिकाय कहलाते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक प्रदेश हों वे अस्थिकाय कहे जाते हैं। एक प्रदेशी को अनस्थिकाय भी कह देते हैं। पांच व्रत अहिंसा आदि पांच व्रत होते हैं, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। पांच समिति ईर्या भाषा ईषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन ये सभी समितियां। पांच गति मनुष्य त्रयंच देव नरक और सिद्ध गति। पांच ज्ञान मति श्रुतावधि मनः पर्याय और केवल ज्ञान। पांच चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय। ये सभी इन छंद में ये सब बताया है कि त्रिभुवन पूज्य अरहंत भगवान ने तीन काल, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, षट काय के जीव निकाय, षट लेश्या पांच अस्थि काय, पांच व्रत, पांच समिति, पांच गति, पांच ज्ञान और पांच चारित्र को मोक्ष का मूल कहा है। जो बुद्धिमान इनकी प्रतीति करता है, श्रद्धान करता है और स्पर्श करता है, वह निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। आगे बढ़ते हैं, सिद्धे जयप्य सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते बंदित्ता अरहंते वो छम आराहणा कमसो। जो जीव सिद्धे, जो सिद्धे अर्थात सिद्ध हैं, जयप्य सिद्धे जगत में प्रसिद्ध हैं, चहुब्बी हाराहणा फलम चार प्रकार की आराधना के फल को पत्ते अर्थात प्राप्त हैं, अरहंते उन अरहंतों को बंदिता अर्थात नमस्कार करके, कमसो अर्थात क्रमशः आराहणा आराधनाओं को वो छम अर्थात कहता हूँ। इसका सीधा शब्दार्थ देखा अर्थ देखते हैं, जो सिद्ध हैं जगत में प्रसिद्ध और चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त ऐसे सिद्धों और अरहंतों को नमस्कार करके क्रमशः आराधना का कथन करूंगा। आगे अंतिम छंद, उज्जोवण मुज्जवणम ऋवहणम साहणम चणिच्छरणम दंसणाण चरितम तवाण माराहणा भणिया। अर्थात उज्जोवण मुज्जवणम जो उद्योतन करता है, उज्जवणम उद्यवन करता है, ऋवहणम निर्वाह करता है, साहणम च और साधन करता है, निक्षरणम निस्तरण करता है, वे दंसणाण चरितम दवाहण माराहणा। अर्थात दंसण माने दर्शन, णाण माने ज्ञान, चरितम माने चारित्र और तव माने तप, आराहणा तवाण माने और ये तप, आराहणा आराधनाएं कही गई हैं। चार आराधनाएं हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। सामान्य इसका अर्थ
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इन चारों के उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण को आराधना कहा है। इस तरह से हमने इस मंगलाचरण का सामान्य भाव जाना। अब हम आगे चल के क्रमशः तत्वार सूत्र पूरे दसों अध्याय को लेने का भाव है। प्रयास यह है, भावना यह है, एक कक्षा में पूरा एक अध्याय उच्चारण सहित, सही उच्चारण सहित, कई बार हमें उच्चारण नहीं आ पाता है तो शुद्ध उच्चारण सहित हम उसका पाठ करेंगे, उसका शब्द सा अर्थ जानेंगे, उसके अंदर भाव क्या छुपा हुआ है वह भाव भी पूरा जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे की 10 कक्षाओं में 10 अध्याय पूरे हो जाएं ऐसी भावना है। एक बार मंगलाचरण को गा के और पूरा पढ़ लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नौपदसहितं जीवषट्कायलेश्याः पञ्चान्यचास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारेत्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महितहि प्रोक्त मरहद्भिरीशहि प्रत्येति श्रद्धाति स्प्रसति च मतिमान यः स वै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप्य सिद्धे चहुविहाराहणं फलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छं आराहणाकं सो उज्जोवणमुज्जवणं ऋणिवहणं साहणं चणिच्छरणम् दंसनणान चरितम तवाण माराहणा भणिया। आहा, महान आचार्य उमा स्वामी विरचित महान इस ग्रंथ का अब हम आद्य उपांत्य अध्ययन करेंगे। ऐसी भावना अंदर से जागृत हो कि अब मुझे इस संपूर्ण ग्रंथ का आद्योपांत शुद्ध उच्चारण सहित, शुद्ध अर्थ सहित और उस अर्थ में से निकलने वाला जो भाव है उस सहित इसको हम अल्पकाल में पढ़ के और महान सिद्धांत ग्रंथ का भाव समझें और भाव भाषण में आएं, ऐसी भावना के साथ विराम।